सो गाइज आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का दिल टूटा पड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्रोकन फोटो एडिटिंग सिखा दूँ जो कि पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखाया होगा, जैसा मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल फोटो देख लो, उसके बाद डार्क कॉन्सेप्ट पे ब्रोकन फोटो एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये फोटो कितना ज्यादा झकास और कितना ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इस तरह का फोटो एडिटिंग करना यार चुटकियों का खेल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो चलिए कैसे करते हैं हम आगे आप लोग को बताते हैं, और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, तभी एकदम अच्छे तरह से सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में स्नैपसीड ऐप को ओपन करेंगे, और ओपन करते ही आप लोग को बीच में बड़ा सा प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा, वहां पे क्लिक करके क्या करेंगे आप लोग अपने गैलरी से ओरिजिनल फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी स्नैपसीड में ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एडिटिंग का सारा कुछ मिल जाएगा, तो ये आप लोग जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, तभी एकदम अच्छे तरह से इस तरह का फोटो एडिटिंग आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में बीच में यानी टूल्स वाला ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप काम सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे जाके, और अभी आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने स्किन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्किन को हल्का ब्राइट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये स्किन ब्राइट है, तो हल्का ब्राइट यानी +16 कर देंगे। उसके बाद सेचुरेशन को हल्का माइनस कर लीजिएगा, उतना ही तो चलेगा। अगेन क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे नीचे राइट साइड में डन वाले ऑप्शन से आप लोग को कर देना होगा डन, तो ये काम सेव हो जाएगा, ठीक है। और बिफोर और आफ्टर देख सकते हो, फोटो में अभी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया है। अगेन फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर ही जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद इस बार हम जाएंगे, एक ऑप्शन दिख जाएगा आप लोग को विंटेग वाला, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ये रहा विंटेग का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद बहुत सारा फिल्टर मिलेगा, लेकिन सबसे लास्ट वाला ये जो ब्लैक वाला है इसको अप्लाई करना होगा, और ब्राइटनेस को तो पूरा 0 रखेंगे, यहाँ पे बीच में ही रखेंगे तो चलेगा। अगेन सेचुरेशन को पूरा -100 कर लीजिएगा आप लोग बहुत ही आराम से, और यहाँ पे स्टाइलिश स्ट्रेंथ को क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखते रहिए, इसको हम करेंगे देखते हैं कितना पे अच्छा लगता है, तो इसको +50 के राउंड कर देंगे तो चलेगा। और यहाँ पे विंटेज जो स्ट्रेंथ है इसको हम रखेंगे यहाँ पे +25 के राउंड, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, यानी फोटो को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट करके डन कर दीजिएगा। और इसको एडजस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ अपने बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये क्रॉसहेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आइएगा, उसके बाद व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक, और एक ऑप्शन दिख जाएगा आप लोग को विंटेक का, जैसा कि ये रहा विंटेक का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके और बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और नीचे जो विंटेक का ऑप्शन 100 है इसको पूरा 100 ही रखिएगा, जैसा कि ये रहा 100 है, अगर कम रहेगा तो बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका यानी अपना फोटो, और मान लीजिए ये बाइक है, आपके फोटो में भी बाइक होगा, उसके और अपना फोटो के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसको अप्लाई कर करके पूरे बैकग्राउंड को कर लेंगे एकदम अच्छे तरह से ब्लैक एंड व्हाइट। और मैं बता दूं कि बहुत ही आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, मैं भी बहुत ही आराम से करता हूँ, बस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं, बहुत ही आराम से करिएगा। और ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद देख सकते हो बैकग्राउंड एकदम अच्छे तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। अगेन मेरे भाई इसको सेव करने के लिए आप लोग को फिर से करना होगा यहाँ से डन, और डन करने के बाद एक बार हमें इस बार कर देना होगा बैक, यानी डन करके बैक करना है एक बार। अगेन नेक्स्ट काम क्या करना है मेरे भाई, आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहिए, फिर से आप लोग को जाना होगा पेंसिल वाले ऑप्शन पर, यानी टूल्स वाले ऑप्शन पर ही, और वहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से, जैसे कि ये रहा टूल्स का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके, और इस बार हम चले जाएँगे एक न्यू ऑप्शन जिसका नाम है यहाँ पर ट्यून इमेज का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके ब्राइटनेस को हल्का कम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे -50 कर देंगे तो चलेगा। अगेन क्या करेंगे मेरे भाई, फिर से हम इसको कर देंगे डन, ठीक है, यहाँ डन वाले ऑप्शन से कर दीजिएगा डन, और इसको भी एडजस्ट करना होगा, अपने फेस पे से हटाना होगा ये ब्राइटनेस जो कम किए हैं उसको, तो उसके लिए फिर से क्रॉसहेयर वाले ऑप्शन पर ही जाइएगा, और जाने के बाद फिर से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे जाके और सबसे ऊपर में ट्यून इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके और बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। अगेन क्या कीजिएगा, एक न्यू काम आप लोगों को क्या करना होगा, इन्वर्ट कर देंगे यहाँ से, और ट्यून इमेज 0 है तो इसको पूरा 0 ही रखिएगा इस बार, यानी इरेज करने के लिए 0 रखना होगा, अप्लाई करने के लिए 100, ठीक है। तो 0 करके और इसको अपने स्किन पर से इरेज कर लीजिएगा, जैसे कि देख सकते हो स्किन भी हल्का काला काला हो चुका था, तो वो नहीं करना है, स्किन पर से इरेज कर लेना होगा बहुत ही आराम से, अगर आपके बॉडी मतलब बॉडी का जहाँ भी पार्ट दिख रहा है वहाँ से कर लेंगे इरेज, ठीक है, बहुत ही आराम से। और मैं बता दूं कि आप लोग अगर एडिटिंग करते हो तो कोई भी काम करते वक्त बहुत ही आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। और इतना काम हो जाने के बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इसको भी यहाँ से कर देंगे डन, और डन करने के बाद एक बार बैक कर देंगे ताकि ये भी काम सेव हो जाए एकदम अच्छे तरह से। अगेन मेरे भाई क्या करेंगे, शर्ट का कलर जो है उसको आधा हम चेंज करेंगे, तो उसको करने के लिए टूल्स वाले ऑप्शन पर जाके और इस बार हम जाएंगे डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे, ये रहा वो ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे,
ओपन इमेज का जो ऑप्शन दिख जाएगा आप लोग को, तो ओपन इमेज वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक, जैसे कि पिक्सार्ट में होता है फोटो, तो यहाँ पे है ओपन इमेज। तो इस पे क्लिक करके क्या करेंगे, हम एक रेड कलर का बैकग्राउंड को सबसे फर्स्ट में ऐड कर लेंगे पूरे फोटो पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में स्टाइल वाले ऑप्शन पे इस बार हमको करना होगा क्लिक, यानी बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कर देंगे डार्कन, ठीक है, डार्कन कर दीजिएगा। अगेन मेरे भाई फिर से हम कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है। बोलते बोलते मेरा तो मुंह दुख जाता है, लेकिन आप लोग अच्छे तरह से देखिएगा तभी सीख पाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए फिर से क्रॉस तीर वाले ऑप्शन पे जाके व्यू एडिट पे जाएंगे और सबसे ऊपर डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। और इस बार क्या करेंगे, डबल एक्सपोजर को पूरा 100 कर लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है अप्लाई करने के लिए 100। और इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आधे शॉट के हिस्से में अप्लाई करेंगे, जैसे कुछ इस तरह से, उस पर नहीं करेंगे। एक हम न्यू स्टाइल बना रहे हैं तो इस पर हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे, वो भी बहुत ही आराम आराम से, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा फर्स्ट फर्स्ट में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। और ये भी काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब देख सकते हो शर्ट जो है कितना अच्छा तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से डन करके एक बार कर देंगे हम बैक, ठीक है, ताकि ये भी काम सेव हो जाए, ठीक है। इतना सारा काम हो चुका है। अगर मेरे भाई इस बार हम क्या करेंगे, अब PNG सबको ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाके और इस बार फिर से हम चले जाएंगे डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्लिक करके और ओपन इमेज वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा। और ये तो ध्यान से देखते रहिए आप लोग, क्योंकि PNG को एडजस्ट भी करना होता है। तो सबसे पहले चिंगारी PNG को हम ऐड कर लिए हैं और बीच में स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाके इस बार हम करेंगे लाइटन, ठीक है, डार्कन नहीं करना है उस बार की तरह, लाइटन करना है ताकि PNG अच्छे तरह से खिल जाए, यानी दिख जाए। उसके बाद फिर से कर देंगे डन और इसको फेस पे से एडजस्ट करना होगा, मतलब हटाना होगा। तो यहाँ पे क्रॉस तीर वाले ऑप्शन पे जाके और फिर से जाएंगे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे और सबसे ऊपर डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके बीच में एडिट वाले ऑप्शन पे कर दीजिएगा क्लिक। और यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से आप लोग ध्यान से देखते रहिए, इन्वर्ट करके और डबल एक्सपोजर पूरा 0 कर लीजिएगा और जो अपने स्किन अपने बॉडी पे आ जाएगा ये PNG, उसको हम कर लेंगे इरेज। और मान लीजिए कि आपके फ़ोटो में भी बाइक है तो बाइक पे रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं, चलेगा तो ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अगेन मेरे भाई फिर से हम कर देंगे इसको डन, ठीक है, यहाँ से कर दीजिएगा डन। और डन करने के बाद एक बार हम फिर से कर देंगे यहाँ से बैक, ठीक है, डन करके बैक तो करिएगा ही। अगेन देख सकते हो ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से सेम काम करेंगे, फिर से जाएंगे हम डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे ही और यहाँ पे जाने के बाद फिर से जाएंगे ओपन इमेज वाले ऑप्शन पे ही, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और करने के बाद यहाँ पे हम इस बार हम लेंगे एक दूसरा PNG जिसका नाम है ब्रोकन PNG, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकन PNG को लेके और क्या करेंगे, फिर से स्टाइल वाले ऑप्शन पर जाके लाइटन कर देंगे और लाइटन करने के बाद इसको अपने किसी भी फ़ोटो के, मतलब ये फ़ोटो को साइड में रख देना है जहाँ पे अच्छा लगे, थोड़ा बड़ा करके, जितना बड़ा मैं रख रहा हूँ उतना बड़ा चलेगा, अपने सर के पीछे भी लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से कर देंगे डन और डन करने के बाद फिर से क्या करना होगा, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाके फिर से जाएंगे डबल एक्सपोजर पर और यहाँ पर एक लास्ट PNG को ऐड करेंगे, वो PNG है यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और मैं बता दूँ कि जो भी बैकग्राउंड PNG का यूज कर रहा हूँ सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको भी लाइटन कर देना है, आप लोगों ने ध्यान से देखा ना, लाइटन करना है, मैंने किया इसको, ठीक है। उसके बाद ये काम हो जाएगा। उसके बाद ये काम करने के बाद देख सकते हो फोटो ऑलरेडी कितना ज़्यादा झकास यहाँ पे दिखाई देने लगा है। अगेन इसको ठीक करने के लिए, यानी इसको परमानेंटली सेव करने के लिए फिर से हमें डन वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। और डन करने के बाद क्या करेंगे, फिर से आप लोग को पता ही है, डन करके एक बार बैक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा ऑसम, मतलब दिख रहा है पहले से। और इस फोटो को बेस्ट क्वालिटी में सेव करने के लिए यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फोटो एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग समझ में आ गई होगी और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने भाई को सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।